ये 88 फंदा हम डाले थे, ये पूरा जाली बढ़ाकर 339 फंदे आ गए हैं। ये बटन पट्टी का लेकर 56 फंदा आगे का है, इसको लेकर है 56 फंदा। ये आस्तीन का है, ये 67 फंदे हैं फंदे, ये आस्तीन के हो गए 67 फंदे, ये आस्तीन के हो गए, और 56 फंदे आगे का ये हो गया, 56 फंदे आगे का ये हो गया। अब पीछे का बता रहे हैं, ये पीछे का 94 फंदा है, ये 94 फंदा है। अब इसमें पहले हम आस्तीन बनाएंगे, ये दोनों आस्तीन बना लेंगे तब ये, और आगे का, आगे का और पीछे का एक साथ बुनना है, आस्तीन अलग बुनना है। आस्तीन में ये हम इधर 8 सिलाई बुन कर एक फंदा घटाए हैं, इधर भी एक फंदा घटा है, दोनों साइड एक एक फंदा घटेगा। पहली बार हम 8 सिलाई बुन कर घटाए हैं, अब 6-6 सिलाई पे घटेगा, 6 सिलाई बुनने के बाद एक फंदा इधर एक फंदा इधर घटेगा। और ये बीच का जाली हम 12 सिलाई पे बढ़ाएंगे, जब ये 12 सिलाई पूरा होगा, 11 सिलाई हो गया है, 12वां सिलाई में हम इसको बढ़ाएंगे। पहले ये 4-4 सिलाई में घटा है, 4 सिलाई बुनने के बाद बढ़ाए हैं, 4 सिलाई बुनने के बाद ये बढ़ा है, और इसमें घटा नहीं है दोनों साइड, इसमें घटेगा, इसको हम दिखा रहे हैं कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। किनारे का फंदा भी हम उठा लेंगे, ये बीच का फंदा है, ये बीच का फंदा है, ये किनारे 2 फंदा है, ये 2 फंदे को हम इस तरह घटा लेंगे। ये एक फंदा घट गया, इसको हम आगे करके एक फंदा बढ़ा लेंगे, जो फंदा बढ़ा है वो फंदा घट भी गया है, फिर इधर आगे करेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे, और इधर से एक फंदा घटाएंगे, ये फंदे को सीधा कर लें, और इस तरह 2 फंदे का एक फंदा कर दिए, इधर 2 घटा है, एक बढ़ गया, मतलब 2 फंदे का एक फंदा बनाए हैं और एक बढ़ा दिए हैं, इधर एक फंदा बढ़ाए हैं एक फंदा घटा दिए हैं। यहाँ फंदा सिर्फ जाली बन गया है, बढ़ा नहीं है। अब इसी तरह जितने जाली हैं उसको बनाएंगे, हर 12वें सिलाई पे इसको बढ़ाना है, ये उल्टा फंदा उल्टा ही चलते जाएगा, पूरा नीचे तक जाएगा ये। ये बीच का फंदा है, ये 2 फंदा किनारे का है, बीच का ये है, ये 2 फंदे को इस तरह घटा लेना है, एक फंदा घट गया और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, इस तरह आगे करके बुन लेंगे तो ये जाली हो गया,
एक फंदा बढ़ गया, फिर आगे करके एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ एक फंदा घटा देंगे। इस तरह फंदे को सीधा करके घटा लें। दो फंदे घटे हैं, दो फंदे जाली बन गए। इसमें तीन जाली बना है, तीन डिजाइन है, तीन जगह जाली बनाना है। एक दो, ये तीसरा है। ये बीच का है, किनारे का दो फंदे हम घटा लेंगे, आगे करके एक फंदा जाली बना देंगे। फंदा बढ़ गया, फिर आगे करके एक फंदा जाली बनाएंगे। एक फंदा बढ़ जाएगा और एक फंदा ये घट जाएगा, दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। इस तरह हमको 12 सिलाई में बनाना है। 11 सिलाई पूरा बुनेंगे और 12वां सिलाई में हम घटा लेंगे। उल्टे सिलाई में उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, किनारे का फंदा उठा लिए और उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है, सीधे फंदे को सीधा बुनना है। ये जाली भी हम इधर से उल्टा बुनेंगे। इतना उल्टा फंदा था, अब ये पीछे करके दिए और ये दो फंदे सीधा बुनना है। फिर आगे करके ये फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह पूरा सिलाई बुनना है। एक जाली बन गया, ये 11 सिलाई बुनकर 12वीं सिलाई में जाली बनाए हैं। इस तरह हम एक आस्तीन तैयार कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 7 जाली बना है। हर 12 सिलाई में 12वीं सिलाई में ये जाली बना है। इसमें भी हम 7 जाली बनाएंगे। एक बन गया है, 6 और बनाना है। और किनारे का फंदा हर 6-6 सिलाई पे घटेगा दोनों साइड, एक इधर एक इधर। 6 सिलाई बुनकर एक एक फंदा घटाना है। एक जाली हो गया, अब इतना 6 जाली और बनाकर ये बनाना हम दिखाएंगे। इतना बनाकर ला रहे हैं। एक जाली हो गया, 6 जाली और हम बना लें। तीन चार पाँच छ सात, 7 जाली बन गया है। यहाँ दो फंदे का एक फंदा कर दिए हैं। यहाँ से बीच का उल्टा फंदा एक गया है। एक जाली बनाने के बाद दूसरा जाली बनाने से पहले यहाँ हम घटा दिए हैं। यहाँ तक दो आया है, उल्टा फंदा दो आया है यहाँ तक, यहाँ से एक हो गया है। यहाँ 67 फंदे थे, किनारे इधर 10 फंदे घटे हैं, इधर 10 फंदे घटे हैं और बीच में एक एक फंदे, एक यहाँ एक यहाँ। 11 फंदे इधर हो गए, 11 फंदे इधर हो गए।
यहाँ 45 फंदा बचा है। अब ये 45 फंदा इसमें भी है। अब यहाँ ये हम बॉर्डर बनाएं या ये बनाएं, आप चाहे तो यहाँ बॉर्डर भी बना सकते हैं या ऐसे भी बन सकता है। अब इसको कैसे बनाते हैं हम बता रहे हैं। अब यहाँ हमको ये बनाना है, ये 4 फंदे का बन रहा है, 3 फंदा उल्टा, 1 फंदे में जाली बनेगा। जैसे ये 3 फंदा उल्टा हो गया है, 1 फंदे में जाली बना है, फिर ये 3 फंदा उल्टा, 1 फंदे में जाली बना है, ये जाली वाला फंदा सीधा बनेगा और ये 3 फंदे उल्टे बनेंगे। किनारे का फंदा उठा लिए और 2 फंदे उल्टे बुन लिए, ये 3 फंदे हो गए। अब ये हम आगे ही रखेंगे और 1 फंदे को सीधा बुनेंगे, तो ये 1 जाली बन गया। अब ये आगे करके 3 फंदा उल्टा, ये हम धागा आगे रखेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे, ये 1 जाली पड़ गया, 1 फंदा बढ़ गया और ये सीधा बुन गया। अब ये आगे करेंगे, धागे को आगे करके 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 3, फिर धागे को आगे रखे ही 1 जाली बनाएंगे, सीधा बुनेंगे, 1 जाली बन गया, फिर आगे करके 3 फंदा उल्टा। इसी तरह पूरी सिलाई बुनना है इस तरह। तीन फंदे उल्टे हो गए, अब ये 2 फंदे बचे हैं, तो 1 तो जाली के लिए बुन लिए और ये 1 फंदे को ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। अब उल्टे सिलाई में उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है, सीधे फंदे को सीधा बुनना है। ये जाली जो बना है, जाली जो बना है ये भी सीधा बुनना है, इधर से उल्टा बुनेंगे, उधर सीधा जाएगा। अब ये 3 फंदे जो उधर से उल्टा बुने थे, ये सीधा बुनना है, इधर से सीधा बुनेंगे, फिर धागे को आगे करके ये 2 फंदे उल्टे बुनना है, ये जाली और 1 फंदा जो उधर से सीधा बुने थे ये उल्टा बुनना है, फिर पीछे करके धागे को ये 3 फंदा उल्टा बुन सीधा बुनना है। ये 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, उल्टे सिलाई में इस तरह बुनना है। ये पूरी सिलाई, उधर वाला 2 सीधा था, 1 जाली और 1 सीधा, ये इधर से उल्टा बुनना है, उधर से ये उल्टा 3 फंदा था, ये सीधा बुनना है। इसी तरह पूरा सिलाई बुन लेना है।
किनारे का तीनों फंदा उल्टा बुनना है। अब ये सीधे सिलाई में आ गए हैं। किनारे का तीन फंदा उल्टा बुनना है। ये उठा लिए एक फंदा, दो फंदे बुन लिए, तीन फंदे हो गए। अब धागे को आगे रखे ही हम इस तरह सीधा बुनेंगे। एक जाली हो गया, एक फंदा बढ़ गया, और ये सीधा फंदे को सीधा बुनेंगे। ये तीन फंदे अब हो गए, फिर आगे करके तीन फंदा उल्टा, फिर आगे ही रखे धागा, इस तरह सीधा बुनना है, और ये फंदा भी सीधा बुनना है। अब आगे करके तीन फंदा उल्टा, धागे को आगे ही रखना है, इस तरह जाली बना देना है। एक फंदा बढ़ गया, और एक ये दो हो गया, और एक ये तीन हो गया। अब इसी तरह फंदा बढ़ते जाएगा। इसमें हम छह जाली बनाएंगे, यानी 12 सिलाई बुनाएगा। इसी तरह पूरी सिलाई बुनना है। एक दो तीन चार पाँच छः सिलाई बुनने हैं। छः सिलाई बुनने के बाद ये कैसे घटाते हैं इसको हम दिखाएंगे। इसका घटाने का तरीका अलग है। इस तरह से फंदे उतारने का तरीका हम पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। वैसे हम फिर इसको बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे किस तरह से इसको फंदे को इस तरह से उतारते हैं। इस तरह से हम छह जाली बनाकर फिर दिखाते हैं आपको किस तरह से फंदे उतारते हैं। ये छह जाली हो गया है, एक दो तीन चार पाँच और ये छह। अब इसको इस तरह फंदा उतारेंगे हम। किस तरह इसको घटाते हैं ये दिखा रहे हैं, इस तरह उल्टे साइड से। ये दो फंदे को उल्टे साइड से इस तरह उतार लें। अब इसको दूसरे सिलाई पे रख लें। इस फंदे को अब उधर करेंगे और फिर दो फंदा लेकर सीधा बुनेंगे। दो फंदे को एक फंदा कर देंगे, एक फंदा उल्टा उतारे, एक फंदा सीधा उतारे, फिर सिलाई पे इसको ले लेंगे। फिर इसको आगे करेंगे, फिर दो फंदे को एक फंदा करके उतार देंगे इस तरह। एक फंदा उल्टे साइड से, एक फंदा सीधे साइड से, और इस फंदे को दूसरे सिलाई में ले लेना है। अब ये फिर फंदे को उधर करके पीछे दो फंदे को सीधा बुनना है। एक एक फंदा घटते जा रहा है। फिर इस फंदे को चढ़ा लेंगे दूसरे सिलाई पे, फिर आगे करेंगे, फिर इसको उल्टा बुन लेंगे। एक एक फंदा घटते जा रहा है। फिर इस सिलाई पे ले लेंगे फंदे को, फिर इसको पीछे करेंगे। इसको ऊपर से ही घटाना है, इस तरह, नीचे से नहीं बुनना है, ऊपर से इस तरह दो फंदे का एक फंदा कर देना है। एक पीछे से, मतलब एक उल्टा फंदा घटाना है और एक फंदा सीधे घटाना है। ज़्यादा सिलाई कसा नहीं बुनना है, इस फंदे को ज़्यादा खींचना नहीं है। इस तरह से ढीले सिलाई से, ढीले हाथ से बुनना है।
कंधे को सिलाई से नीचे ही रखना है इस तरह, ये नहीं कि फंदा इस पे ले लिए और ऊपर से बुन ले, ये ऊपर से नहीं बुनना है, नीचे से बुनना है, धागे को नीचे से लेना है। ये देखिए इस तरह पूरा फंदे को घटा लेंगे, इस सारे फंदे को इसी तरह घटाना है। एक फंदा उल्टा घटाना है, एक फंदा सीधा घटाना है। ये सिलाई के लिए ऊन बड़ा ले लिए हैं, यहाँ सिलाई होगा। अब ये फंदा घट गया, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको बुनते हैं आगे और पीछे के पल्ले के। अभी आगे का पल्ला और पीछे का, और ये सारे फंदे को एक में बुनना है। यहाँ आस्तीन में जिस तरह हम बढ़ाए हैं 12वें सिलाई में, उसी तरह यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ घटेगा नहीं, सिर्फ बढ़ेगा। जैसे यहाँ बढ़ा है वैसे ही बढ़ेगा, 12 सिलाई पे बढ़ेगा। ये 8 फंदा उल्टा बुनना है, आठ फंदा ये बटन पट्टी का फंदा है, और ये 2 फंदा उल्टा वाला है। आस्तीन में हम उल्टे वाले फंदे को 2 का 1 कर दिए थे, यहाँ से 1 फंदा उल्टा बनाए हैं, लेकिन इसमें हम घटाएंगे नहीं, ये 2 फंदा उल्टा ऐसे ही चला जाएगा नीचे तक। ये डिजाइन वाला 2 फंदा है। अब उनको पीछे कर लेंगे, 12 सिलाई तक इसी तरह सीधा बुनेंगे। 12 सिलाई बाद इस जाली को हम डालेंगे। इसको हम निकाल देंगे, ये उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। यहाँ हम उल्टे फंदे को घटाएंगे,
इसलिए कि यहाँ भी उल्टा फंदा है, यहाँ आठ फंदे हो जाएंगे। एक फंदा इसमें का घटा लेंगे, यहाँ एक हो गया, और ये पीछे के पल्ले में दो फंदे का एक फंदा करेंगे, तो फिर हमारा ये दो फंदा बच जाएगा। तो ये डिजाइन हमारा दो फंदे का जाएगा। ये सब अब निकाल लेंगे। अब ये दो फंदे का एक फंदा करेंगे। यहाँ फंदा भी घट गया, ये बाजू के पास है, यहाँ फंदा भी घट गया और दो फंदे का डिजाइन भी जा रहा है। उस साइड भी ऐसे ही घटाना है। यहाँ सारे फंदे वैसे ही बुने जाएंगे, जैसे पहले बुने हैं वैसे ही बुनेंगे। यहाँ भी आगे करके ये किनारे का दो फंदा उल्टा है, इसको एक फंदा बुनेंगे, यानी एक फंदा घटा देंगे। एक हो गया, अब ये दूसरे साइड वाली आगे का पल्ला है। ये भी दो फंदे का एक फंदा करेंगे। ये दो फंदे उल्टे हो गए, यानी दोनों साइड से एक एक फंदे घटे हैं। इधर भी घट गया है और इधर भी घट गया है। अब ये इसी तरह बुनना है। ये किनारे का डिजाइन का दो फंदा उल्टा है और आठ फंदा बटन पट्टी का है। ये सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। किनारे का फंदा हम उठा लेंगे, उधर से सिलाई बुनेंगे तो उसको बुनेंगे, और ये हम बटन होल भी घटा रहे हैं। ये 11 लाइन बना है, 22 सिलाई पे हम घटा रहे हैं। ये 22 सिलाई पे बटन होल बना है, यानी 11 लाइन। ये एक फंदे घटाकर एक फंदे जाली बढ़ा लिए हैं, ये बटन होल बन गया है। तीन हो गया है, छह सिलाई हो गया, छह लाइन, और पांच लाइन बुनकर फिर एक बटन होल बनेगा।
ये फंदे ज़्यादा हैं और पाइप वाला सिलाई का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये एक ही नंबर का यानी 9 नंबर के सिलाई से हम यूज़ करेंगे। इस पर 9 नंबर के सिलाई पे दो सिलाई में आधा आधा फंदे रख देंगे और एक सिलाई से बुनेंगे। और इसको उल्टे वाले फंदे को जो उठाए थे उसको बुन लिए हैं। अब इस तरह पूरे फंदे को बुनना है, उल्टे फंदे पे ये बटन पट्टी का उल्टा दोनों साइड से, और ये फंदे सीधे साइड से उल्टे साइड से उल्टा ये, और सीधे साइड से सीधा, और इस फंदे को सीधा बुनना है इधर से उधर से उल्टा। हम 12 सिलाई बुनकर दिखा रहे हैं। ग्यारह सिलाई हो गया है, ये 12वें सिलाई में बनाना है। जिस तरह ये बना है 12वें सिलाई में ये जाली बना है, इसी तरह बनाना है। ये बीच का फंदा है, ये नीचे 4-4 सिलाई पे हम बढ़ाए हैं और ऊपर 12 सिलाई पे बढ़ेगा। इस तरह ये 12 सिलाई पे बढ़ाना है। ये 2 फंदा बढ़ गया, एक फंदा इधर एक फंदा इधर, इसमें घटेगा नहीं, ये 12-12 सिलाई पे बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ाना है सारे में। ये जहाँ जहाँ फंदा बढ़ा है हर जाली के सामने इसी तरह 12-12 सिलाई पे बढ़ेगा। ये बीच का फंदा है, इसके पहले एक फंदा बढ़ेगा, फिर बीच का फंदा बुन लिए, फिर एक फंदा बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ाना है। यह है बीच का फंदा, एक ये बढ़ गया और आगे करके फिर एक ये बढ़ गया। ये 11 लाइन पे बटन होल बना रहे हैं। 11 लाइन पूरा हो गया है, ये 11 लाइन हो गया, ये पीछे साइड से हम बटन होल बनाएंगे, ये इस तरह बनेगा। यहाँ हम 4 फंदा इस तरह बुन लेंगे, ये 4 हो गया
अब उनको पीछे कर लेंगे। इस तरह पीछे करके दो फंदे का एक फंदा करेंगे, ये एक फंदा घट जाएगा और एक फंदा बढ़ जाएगा, तो ये जाली बन जाएगी बटन होल। इस तरह ऊपर से इस तरह बना लेंगे, एक जाली हो गया। अब ये सारे फंदे जितने बटन पट्टी के हैं ये उल्टा बुनेंगे, ये एक जाली हो गई। ये जाली बन गया। अब ये सारे जिस तरह हम बुने हैं उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा इस तरह बुन लेंगे। अब बढ़ेगा नहीं, अब 11 सिलाई पूरा बुनना है, 12वें सिलाई में फिर बढ़ेगा। दो फंदा ये सीधे वाला है, अब ये बटन पट्टी का फंदा है। जो फंदा बढ़ाए थे वो है, ये बटन होल हो गया। इसी तरह ये बटन होल बनता है। एक लाइन हो गया, ये एक बटन होल हो गया। इसी तरह ये सारा बटन होल बनाए हैं। ये चौथा, एक दो तीन चार, ये चार बटन होल बन गया। अब आगे भी इसी तरह बनेगा। 11 लाइन के बाद 12वें लाइन में पीछे से बनेगा। अब इस स्वेटर के आगे के बुनाई आप पार्ट 3 में देखिए, सब समझ में आ जाएगा।